आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिला जांजगीर चांपा के नवागढ़ तहसील के माननीय तहसीलदार महोदय ने नवागढ़ राछा भाठा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। वहीं जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था वे लोग वहां मौजूद नहीं थे। नवागढ़ तहसीलदार ने दल बल सहित मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाले रात को आकर के अतिक्रमण करके चले जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट की जमीन है ये किस तरह से, ये कौन लोग जो बेच रहे हैं, ये बार बार गवर्नमेंट की सूचना होने के बावजूद भी ये किस तरह से यहाँ ये जो गोरख धंधा चल रहा है ये कौन लोग हैं, ये जो करने वाले हैं उनके पीछे क्या कार्रवाई होगी? ये तो हम लोग को नाम अतिक्रमण करने वालों के संबंध में मैंने कई बार नोटिस दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब करने के संबंध में कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है और ये लोगों ने रात रात को आके ये अतिक्रमण करते हैं और बना के चले जाते हैं। कहाँ के लोग हैं और कहाँ के रहते हैं, कहाँ कौन है, वो भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कई बार नोटिस देने के उपरांत भी ये लोग कोई उपस्थित नहीं होते हैं। अतः न्यूज जितनी बनी हुई है इनको हम आज अतिक्रमण को हटा रहे हैं। ये सामने जिस तरह बाउंड्री वॉल सिर्फ तोड़ी जा रही है यहाँ पर, आप ये मकान बने हुए हैं उनको तोड़ना है? पहले तो हम लोग पहले चरण में हम लोग जितने न्यू बने हुए हैं उसको हटाएंगे और निर्वाचन उपरांत में हम लोग जो अतिक्रमण जितने भी मकान बने हैं उनको विधिवत नोटिस देके हम लोग उसके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। और भी कई बार इस तरह से बात सही है कि हम लोग कई बार नोटिस दे चुके हैं लेकिन आते नहीं है ना। अनावैधक जितने कब्जाधारी हैं उन लोगों के बारे में पता नहीं चलता है कहाँ से आके करते हैं, कौन है, कोई बताते भी नहीं है। यहाँ के लोग सहयोग नहीं मिल पाता यहाँ के लोग से। जानकारी में आएगी तो कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, देख सामने चल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। ये आगे कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक गया वह जहाँ जहाँ न्यू बन रहा है अतिक्रमण करने के लिए सामान रखे हैं सबको हटवा रहे हैं, जब्ती कर रहे हैं। इनके लिए न्यायालय की तरफ से कई बार नोटिस जारी किया था लेकिन ये लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। RNN News के लिए जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक से भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट।